आने वाली नस्लें तुम पे रश्क करेंगी हम मसरों, जब ये ध्यान आएगा उनको तुमने फिराक को देखा था। ऐसा शेर आत्मविश्वास से भरा एक शायर ही कह सकता है। ऐसा आत्मविश्वास जिसकी बुनियाद है ज्ञान और अनुभव, जो शायरी के लंबे तजुर्बात से गुजरा हो। फिराक को जानने का दावा तो बहुत लोग करते हैं, पर उन्हें समझने वालों की गिनती अभी भी बहुत कम है। 28 अगस्त 1896 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में बाबू गोरख प्रसाद की तीसरी पत्नी से जन्म हुआ एक बालक का नाम रखा गया रघुपति, रघुपति सहाय, जिन्हें कुछ वर्षों बाद हिंदुस्तान ने फिराक गोरखपुरी के नाम से पहचाना। फिराक साहब का बचपन साहित्यिक माहौल में गुजरा। उनके पिता गोरख प्रसाद पेशे से तो वकील थे, पर वकालत के साथ ही शायरी भी करते थे। गोरख प्रसाद इब्रत ने हुस्न फितरत, नशो नुमाए हिंद, हाली, आज़ाद जैसी कई प्रचलित नज़में लिखीं। चूंकि फिराक साहब का जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था, तो उर्दू ज़बान और अदब उन्हें विरासत के तौर पर मिली थी। फिराक साहब को बचपन से ही लोकगीत, रामायण, सूर और मीरा के पद अपनी ओर आकर्षित करते थे। रात की खूबसूरती, पेड़ की परछाइयाँ, तारों की झिलमिलाहट फिराक साहब के दिल पर छा जाती और वो इन भावनाओं को अभिव्यक्त करने का जरिया ढूंढते। इन सभी यादों को दिल में समेटे फिराक साहब का बचपन बीता और उन्होंने गोरखपुर के जुबली हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। फिराक साहब सन 1913 में हाई स्कूल पास करके इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद आकर उन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज में दाखिला लिया और आगे की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दौरान ही उनकी मुलाकात प्रोफेसर मेहंदी हसन नासरी से हुई, जिन्होंने उनकी काव्य अभिरुचि को निखारा, उनकी गजलों को संशोधित किया और उर्दू शायरी के नियमों और भाषा की बारीकियों से वाकिफ कराया। फिराक ने 1918 ईस्वी में बीए की परीक्षा में पूरे सूबे में चौथा स्थान प्राप्त किया और सिविल सर्विस के लिए भी चुने गए। लेकिन इस वक्त तक फिराक के जहन में देश प्रेम ने जगह बना ली थी और सन 1920 में वो कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, जिसके लिए बाद में उन्हें जेल भी हुई। जेल में भी उन्हें मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना हसरत मोहानी जैसे साहित्य प्रेमियों से संगत मिली। फिराक साहब लिखते हैं, अहले जिंदा की ये मजलिस है सबूत इसका फिराक, कि बिखर के भी ये शिराजा परेशान ना हुआ। सन 1927 में वो जेल से रिहा हुए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस के दफ्तर में उन्हें अंडर सेक्रेटरी की जगह दिला दी। लेकिन वे इस पद पर बहुत दिनों तक काम न कर सके और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने 1930 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में प्रथम स्थान के साथ एमए उत्तीर्ण किया और नतीजा निकलते ही उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य का अध्यापक नियुक्त कर दिया गया। फिराक साहब के शागिर्द रहे ओपी मालवीय फिराक साहब के साथ गुजारे उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वे अंग्रेजी विभाग के अध्यापक थे। यह मेरा बड़ा परम सौभाग्य था कि 1951-52 में मैं उनका छात्र था। उस समय दो प्रकार की कक्षाएं हुआ करती थी, एक तो जनरल जिसमें व्याख्यान होते थे, पोइट्री, प्रोज, ड्रामा पर समझाया गया था, व्याख्यान होते थे, और एक दूसरा छोटे कुछ थोड़े से विद्यार्थियों का एक समूह जिसको सेमिनार बोलते थे। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके दोनों प्रकार के अनेक कक्षाओं में उनका छात्र